क्या बना रहे? हवा हवा हाँ। हवा हलवा हवा खा रहे हैं। हवा बना रहे हैं हवा अंडा और यहाँ पे ना वो प्लांट्स की गुड़ाई करने के बाद मैंने फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया था वीडियो बनाना। तो यहाँ पे मैं मेथी साफ करनी है क्योंकि तरुषी ने बोला है कि मेथी के पराठे खाने हैं, तो बस यहीं पर मेथी साफ कर रही हूँ और नीचे न्यूज़पेपर लगाया ताकि कल इन खराब ना हो। आदि भी खेल रहा है और उसे मैं थोड़ा पढ़ा भी रही हूँ क्योंकि उसका ओरल टेस्ट है, फर्स्ट ओरल टेस्ट ऑफ आदि, पहला टेस्ट है उसका ओरल टेस्ट। क्योंकि आज मैं सब्जी लाई थी ना तो मैंने धो के रख दूंगी, सुबह तक ये सूख भी जाएंगी, फिर मैंने फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए मैंने सब्जी धो के रख दी है, धनिया टमाटर मिर्च कल सुबह मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। दस बज चुकी है और मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते सुप्रभात। और क्या ये तो आज संडे है तो ये तो कल या परसों एक तो दिन में जाएगा, पब्लिश होगा है ना, लेकिन फिर भी आपका हर दिन मंगलमय हो। और आज बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे, देखा होगा आपने रात को मैंने मेथी साफ करी थी कि मेथी के पराठे बनेंगे, फिर शादी उठ गया था मैं चाय बनाती हूँ कि चाय मैं आदि के साथ ही पीती हूँ, तो कंपनी भी हो जाती है ना, फिर साथ आदत हो गई है मुझे, मैं आदि के साथ ही पीती हूँ चाय, तो बनाते हैं। तरसी की डिमांड है बेटी के मेथी के पराठे, तो प्लान मेथी के पराठे। तो अभी चाय भी तैयार है और ये दस का डब्बा भी, तो चाय पीते हैं उसके बाद बनाएंगे पराठे। यहाँ पे ना मैं चाय के बाद आदि को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, उसका ओरल टेस्ट है। वैसे भी सुबह शाम थोड़ा थोड़ा वैसे पढ़ाती हूँ, छोटा बच्चा है अभी, हाँ नखरे बहुत करता है पढ़ते समय। और यहाँ पे मेथी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करके मैंने उसमें डाला हल्दी नमक हरी मिर्ची एंड थोड़ी सी लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला भी। तरसी को बहुत पसंद है ये मेथी के पराठे, तरसी को और उसके पापा को। और यहाँ पे मैंने दाल रख दी है, चने की दाल बनाई है प्लस पराठे, दिन में भी यही पराठे और चने की दाल प्लस सैलेड। जाएगा
वो भी बता दो, सूज देखो कहाँ रख फेंका हुआ है। और ये रात के समय हलवा बना देती है आटे का। तो क्या बना रहे हम, क्या बना रहे? हवा। हवा? हाँ। हवा नहीं हलवा, हवा खा रहे हैं। हवा बना रहे हम, हवा। तो हेलो फ्रेंड्स, और सबसे पहले सबू को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं तो दिखदा सन, जो मैं ते जो मैं कविता बोल दूँ या जो मैं ब्लॉग्स डल दूँ पोयमा या जो भी मैं ब्लॉग्स डल रहा डेली, सबू ते बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, बिकॉज कहते हैं जब मेहनत होती है तो मेहनत का जब फल मिलता है ना तो अभी लगता है, और लगता है कि हाँ हम मेहनत सफल हो रही है। और वास्तव में बहुत मेहनत लगती है, हर काम में मेहनत लगती है कि नहीं है। और तो फाइनली दिस इज़ अ डे टू सेलिब्रेट, बिकॉज देखिए शतक तो शतक होता है ना। और मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट मैं एक मैंने फ़ोटो खींची है स्क्रीन शॉट करके, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। फाइव सिक्स डेज की है। तो अच्छा चश्मे इसलिए नहीं पहने क्योंकि अभी कुछ पढ़ना नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए चश्मे। तो एंड फाइनली दिस इज अ हलवा, बिकॉज मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा हलवा नहीं बनाया आपने, आपने प्रॉमिस किया था अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को। तो फिर मैंने हलवा बना ही दिया है। अब ये वही मजाक की बात नहीं है, हमारे गढ़वाल में कोई भी शुभ काम होता है तो आपका हलवा, आटे का हलवा बनाया जाता है। और पता इसे एक इसको कुछ नाम से भी बोला जाता है, स्पेशल कुछ नाम से भी बोला जाता है इसे, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। पता नहीं क्या कहते हैं कि यू काटेली, मतलब प्रसाद होता है वो, प्रसाद बोलते हैं कि प्रसाद को दे दिया, कुछ नाम बिल्कुल भूल गई मैं दिमाग से, अभी तो मुझे ध्यान था बनाते समय। पहले भूलती ना तो मैं पूछ ही लेती मम्मी पापा से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे ये काटेली कि बांटेली, कुछ इस तरह से बोलते हैं प्रसाद को, बहुत शुभ माना जाता है। तो दिस इज अ सबसे पहले सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड और ये ना नया वो है, ये नया बाउल निकाला है मैंने अंदर से आप लोगों के लिए। तो ये एंड थैंक्स टू ऑल, जय माता दी। और इस तरह से प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए। और तो फिर देखते हैं ये शायद ब्लॉग, बिकॉज अभी रात के बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं। और पहले मैंने सोचा था सुबह, लेकिन सुबह देख ही लिया, देख लेंगे आप सुबह मैंने वो बनाया क्या, ये पराठे मेथी के। तो अभी मैंने सोचा कि मैं हलवा तो बनाना है मुझे, तो मैंने कहा हलवा बना ही देते हैं यार, मौसम भी अच्छा है, ठंडा मौसम, बहुत ठंडा है आज तो, मतलब कहते हैं ना कि बाकी बात ठंडू है, आज बहुत ठंडा है, हवा चल रही है, बिल्कुल दरवाजे खिड़कियाँ रोशनदान तक बंद है, ये देखिए रोशनदान तक बंद हो, ये देखिए रोशनदान तक बंद किए हुए, बहुत ठंडा है। तो और कल तो शायद पोयम डालूंगी, है कि नहीं है। तो दिल से सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दुनिया में सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। और हाँ, स्वस्थ कोरोना दोबारा मत वो स्थिति आने दीजिए, मास्क पहनिए, कुछ नहीं करना है सर, मास्क भी पहन लीजिए, विदाउट मास्क नहीं जाइए। देखिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, है कि नहीं है। तो अपने लिए कम से कम एटलीस्ट अपने परिवार के लिए थोड़ा अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और मास्क पहनिए। तो आप क्या करते रहिए, तो स्टे ट्यून्ड विद अपर्णा नेगी एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल, आप सबको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद दिल से। तो मिलते हैं फिर।
है ना, मिलते रहेंगे, बाय।